अपने हस्बैंड के होते हुए एक लड़की ने एक बिजनेसमैन के साथ अफेयर किया। वो उसे ऐसा रास्ता दिखाती है जहाँ पर सिर्फ डिस्ट्रक्शन था। क्या ये बिजनेसमैन इससे उभर पाएगा, ये हम आज की हमारी मूवी द ह्यूमन कॉन्ट्रैक्ट 2008 की एक हॉलीवुड मूवी में देखेंगे। आदमी को जो चीज़ करनी चाहिए उसे छोड़कर अगर वो किसी और चीज़ के पीछे भागे तो इसके इफेक्ट क्या हो सकते हैं, ये हम इस मूवी में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है, हम हमारे मेन कैरेक्टर जूलियन को देखते हैं। जूलियन आज एक लड़की से मिला था, उसका नाम था माइकल। माइकल एक फ्री स्पिरिट थी, उसे जो अच्छा लगता था ये सारी चीज़ें वो कर डालती थी। जूलियन एक बिजनेसमैन है तो उसे रूल्स के साथ चलना पड़ता है। इन दोनों की बात आगे बढ़ पाती उससे पहले जूलियन की गर्लफ्रेंड यहाँ पर पहुँच गई। जूलियन आज माइकल से फर्स्ट टाइम मिला था पर फिर भी उसे वो बहुत ही अमेजिंग लगी। उसके जाने के बाद जूलियन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इंटीमेट होता है। रात में अचानक से उसे बहुत ही बुरा सपना आया, इस वजह से वो अपनी गर्लफ्रेंड को जाने के लिए कहता है। आजकल वो बहुत ही अकेला था क्योंकि अभी अभी उसकी वाइफ ने उसे डिवोर्स लिया है। घर में डिवोर्स के पेपर्स पड़े हुए हैं जिसे उसने अब तक साइन नहीं किया। नेक्स्ट डे जूलियन की बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। इस मीटिंग में उनके क्लाइंट्स उसे कहते हैं कि अगर हमने आपको हायर किया तो आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा। उन्हें अपनी कंपनी के लिए बेस्ट मार्केटिंग प्लान चाहिए था तो इसी वजह से और एक फर्म को जाकर वो मिलने वाले थे। जिनका वर्क अच्छा होगा उन्हें पूरा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। जूलियन और उसके कली ये सारी कंडीशन मान लेते हैं, बहुत ही खुश थे और कॉन्फिडेंट भी थे कि कॉन्ट्रैक्ट उन्हें ही मिलेगा। अब उन्हें सिर्फ सही से काम करना है और कोई भी ट्रबल क्रिएट नहीं करना। जूलियन के बॉस ने उससे बात की, वो कंपनी छोड़कर जाने वाले थे पर इसके लिए उन्हें बहुत पैसे मिले थे। जूलियन से कहते हैं अब कोई भी ट्रबल क्रिएट मत करना। उन्हें पता था कि जूलियन का डिवोर्स हो रहा है तो बॉस ने कहा थोड़े दिनों के लिए इसे पोस्टपोन कर देना। जूलियन भी इस बात को मान जाता है। रात में अपने सारे कलीग्स को लेकर वो पार्टी करने के लिए गया। वो सबको कहता है कि जहाँ पर भी मैं काम करूँगा तुम सब मेरे साथ ही आओगे। जूलियन के फ्रेंड्स में उसका लॉयर फ्रेंड भी था जो हमेशा उसे हेल्प करता था। जूलियन के वाइफ ने डिवोर्स पेपर्स भेजे हैं ये बात भी उसे पता थी। वो जूलियन के लिए सारी चीज़ों को हैंडल कर सकता था। पार्टी के बाद जूलियन अपनी मदर के पास आया। वो मदर को इतना ज़्यादा विजिट नहीं करता तो मदर को ये बात अच्छी नहीं लगती। मदर ने कहा कि मैंने तुम्हारे बचपन के रूम की सारी चीज़ें निकाल ली है, जैसे तुमने मुझे प्रॉमिस किया था तुम्हें रूम पेंट करना पड़ेगा। जूलियन कहता है कि मैं एक आदमी को भेज दूंगा। उसकी मदर इस बात पर गुस्सा हो गई, कहती है तुम हमेशा अपने पैसों का रोब नहीं झाड़ सकते, अपनी फैमिली को भी तुम्हें टाइम देना चाहिए। एक्चुअल में जूलियन के बचपन में कुछ बुरा हुआ था, इसी वजह से काम वो नहीं करना चाहता था। इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। एक रात काम से वापस आते हो जूलियन को फिर से माइकल दिखी, उसका पीछा करता है। एक ओपन थिएटर में अपने फ्रेंड्स के साथ वो मूवी देख रही थी तो जूलियन भी उसके पास जाकर बैठ गया। माइकल को उसे देखकर बहुत अच्छा लगा। फिल्म फ्रैंकस्टाइन थी तो इसके बारे में बात करते हुए माइकल जूलियन से कहती है फ्रैंकस्टाइन ने अपना खुद का मॉन्स्टर क्रिएट किया था, जब उसने आईने में देखा तो खुद डर गया। जूलियन इस बात पर सोचने लगता है। अचानक से यहाँ पर माइकल का एक्स बॉयफ्रेंड आ गया, उसके साथ झगड़ने लग गया, उसे मारने भी वाला था। तभी जूलियन जोर से उसे पंच कर देता है, टैक्सी में बैठा कर उसे घर भेज दिया। जूलियन ने पूछा कि वो था कौन, क्या तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड था। माइकल ने कहा कि ऐसा ही कुछ। जूलियन के हाथ पर चोट आई थी तो माइकल उसके साथ घर आई, उसे मलम पट्टी कर देती है। जूलियन के घर में उसने एक बंद रूम देखी जिसे खोलने के लिए पासवर्ड की जरूरत थी। माइकल इसके बारे में उसे पूछती है पर जूलियन उसे कुछ भी नहीं बताता। माइकल पूछती है कि क्या ये डार्क रूम है, तुम्हारा कैमरा निकालो, मेरी फोटोज निकालना। माइकल ने कपड़े निकाले तो जूलियन उसके हाथ पर बहुत सारे कट्स देखता है। जब वो छोटी थी तो उसके घर पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, उसके मदर और फादर उसे मारा करते थे तो इसी वजह से खुद को कट करने की आदत उसे पड़ गई। अब बहुत सालों से उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये सब बताने के बाद माइकल यहाँ से जाने लग गए। जूलियन चाहता था कि वो रुक जाए और माइकल चली जाती है। अगले दिन ऑफिस में जूलियन से मिलने के लिए उसका लॉयर लैरी आया। उसे कहता है कल रात किसी के साथ तुमने फाइट की थी, वो आदमी एक इमिग्रेंट है और कोई भी ट्रबल नहीं चाहता तो इस वजह से केस चला जाएगा, पर उसे केयरफुल रहने के लिए कहता है। एक दिन जूलियन जब अपनी मदर के यहाँ रूम मेंट करने के लिए आया हुआ था तो अपनी सिस्टर को नोटिस करता है। सिस्टर का हस्बैंड उसे बहुत मारा करता था तो कुछ दिनों के लिए यहाँ रहने के लिए वो आ गई थी। अपने रूम में जूलियन ने एक न्यूज़पेपर छुपा हुआ था जिसमें लिखा था 10 साल के लड़के ने अपनी मदर को गैस लीक से बचाया। ये देखकर वो जरा डिस्टर्ब होता है। तभी उसे माइकल का कॉल आया जो उसे मिलने के लिए बुलाती है। रात में जब वे मिले तो माइकल ने उसे अपनी गाड़ी में बैठने के लिए कहा। गाड़ी में बिठा कर उसके आग पर वो पट्टी बांध देती है। फिर उसके ड्राइवर लड़की को उसने आगे बुला लिया। वो माइकल को किस करने लग गई थी। माइकल ने जब पट्टी खोली तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया।
वो निकल रहा था पर बाहर बहुत बारिश थी, तो माइकल ने उसे अंदर आने के लिए कहा। जिलियन फिर गुस्से में माइकल के साथ इंटीमेट हो जाता है। माइकल उसे पूछती है कि लाइफ में कभी भी तुमने किसी से प्यार किया है। जिलियन कहता है कि हाँ किया है। माइकल ने पूछा कि तुम्हारे डार्क रूम का पासवर्ड उसके पास था। जिलियन कहता है कि नहीं। माइकल को जिलियन के लिए बुरा लगा क्योंकि उसे कोई भी अब तक समझ नहीं पाया। इस रिलेशनशिप में वो जुलियन के बारे में सब कुछ जानना चाहती थी। अगली सुबह माइकल ने जुलियन को गिफ्ट भेजा। ये गिफ्ट देखकर उसे बहुत अच्छा लगता है। उसके कोवर्कर भी नोटिस करती है कि जुलियन को गिफ्ट देखकर जितनी खुशी हुई इतनी कभी भी नहीं होती। जुलियन फिर ब्यूटीफुल से फूल लेकर माइकल के काम पर उसे मिलने के लिए आया। माइकल के असिस्टेंट ने कहा कि आज उसका एग्जीबिशन है तो तुम्हें वहीं पर मिलेगी। एग्जीबिशन में जाकर जुलियन ने देखा तो माइकल किसी और को किस कर रही थी। उसे पूछता है कि वो था कौन। माइकल कहती कि हम बाद में बात करते हैं, मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगी, पर जुलियन को अभी बात करनी थी। वो उसे शांत जगह पर लेकर गई और कहती कि वो मेरा हस्बैंड था। मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहती थी पर तुम्हें सही तरीके से सुनना पड़ेगा। मेरे हस्बैंड को हमारे बारे में पता है, हमें एक अलग टाइप की रिलेशनशिप है जिसमें यह सब अलाउड है। ये बात जुलियन को हजम नहीं होती। वो गुस्सा हो गया और यहाँ से चला जाता है। रात में जब जुलियन अपनी मदर के घर पर आया तो सिस्टर का हस्बैंड सिस्टर को मार रहा था। जुलियन इस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और हस्बैंड को उसने बहुत मारा। जुलियन ने अपनी सिस्टर से कहा, मैं तुम्हें प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारे लिए घर बाय कर दूंगा। सिस्टर कहती कि तब हम बहुत ही छोटे थे और तुम मुझे बारबी हाउस गिफ्ट करने वाले थे। माइकल कहता है कि मैं सीरियस हूँ, तुम्हारे लिए एक बड़ा सा हाउस में बाय कर दूंगा, तुम्हें अपने हस्बैंड के साथ रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपनी सिस्टर को बहुत सपोर्ट करता है। इसके बाद जुलियन को पुलिस लेकर गए थे, उसका लॉयर उसे छुड़ा लेता है। लॉयर ने जुलियन को समझाया, तुम्हारी सिस्टर का हस्बैंड डायरेक्टली कोमा में चला गया था, अगर वो फिर से जग जाता है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, हम सब कुछ चीजें मैनेज कर लेंगे। जुलियन के बॉस ने उसे बहुत डांटा, तुम्हें कंपनी के बारे में सोचना चाहिए, तुम्हारी इन सब चीजों की वजह से डील हमारे हाथ से जा सकती है। अगले दिन माइकल जुलियन के काम पर उसे मिलने के लिए आई, पर जुलियन सिक्योरिटी गार्ड की मदद से उसे बाहर निकलवा देता है। माइकल की वजह से जुलियन बहुत ही डिस्टर्ब हो गया था, अपने कोवर्कर के साथ भी अच्छी बात नहीं करता। रात में माइकल जुलियन से मिलने के लिए उसके घर पर आए। उसे कहती है, मैं और मेरे हस्बैंड में एक अजीब तरीके से अरेंजमेंट है, हम एक दूसरे को पान कर नहीं रखते, हम दोनों खुश रहना चाहते हैं, हम दोनों जब एक साथ हैं तो एक दूसरे की लाइफ बेटर बना सकते हैं। तुम मुझे पाना डिजर्व करते हो और मैं भी तुम्हें अपनी लाइफ में चाहती हूँ, मैं तुमसे प्यार करूंगी पर सोसाइटी जिस तरीके से चाहती है वैसे नहीं। वो अपनी रिलेशनशिप को कोई भी लेबल नहीं देना चाहती थी। इसके बाद दोनों इंटीमेट हो गए। जैसी भी सिचुएशन थी ये जुलियन ने एक्सेप्ट कर ली थी। एक रात माइकल जुलियन को एक बहुत ही अच्छी सी डेट पर लेकर गए। उसे पूछती है, लाइफ में तुम खुश कब होते हो, क्या तुम्हारा काम तुम्हें अच्छा लगता है। जुलियन ने कहा कि इसे पैसे आ जाते हैं, उसे बाकी चीजों के बारे में ज्यादा पता नहीं है, माइकल के साथ होना उसे बहुत अच्छा लगता है। अगले दिन ऑफिस में उसका लॉयर लैरी जुलियन से मिलने के लिए आया। उसे कहता है, या तुम्हारा माइकल के साथ अफेयर चल रहा है, ये बात अगर किसी को पता चली तो एक बड़ा ट्रबल हो सकता है। लैरी जुलियन को माइकल से ब्रेकअप करने के लिए कह रहा था पर जुलियन उस पर ही गुस्सा हो गया, वैसा कुछ भी नहीं करने वाला। थैंक्सगिविंग पर जुलियन माइकल को अपनी फैमिली से मिलवाने के लिए लेकर आता है, उसके नेफ्यूज वगैरह को बहुत अच्छी लगी थी। जुलियन की सिस्टर ने कहा कि मेरा हस्बैंड ठीक हो चुका है, उसके साथ रहना चाहती थी। जुलियन ने कहा कि फिर से वो तुम्हें बहुत मारेगा, इस तरीके की एनवायरनमेंट में तो अपने बच्चों को नहीं रख सकती। मदर को लग रहा था कि सिस्टर को उसके हस्बैंड के पास वापस जाना चाहिए, पर इस बात पर जुलियन और मदर में झगड़ा हो जाता है। जुलियन को डिस्टर्ब देखकर माइकल ने उसे कहा, तुम अब पेन में हो पर तुम्हें इसको लेकर बात करनी चाहिए, जो भी राज खोलने से तुम डर रहे हो ये तुम्हें खोल देने चाहिए, इसे तुम एक बेटर पर्सन बनोगे। इसके बाद थोड़ा टाइम गुजर जाता है। एक रात जुलियन को बहुत ही अकेला लग रहा था, वो माइकल से मिलना चाहता था पर माइकल अपने हस्बैंड के साथ बिजी थी। उसे मिलने की जिद करता है पर माइकल उसे मिलती नहीं। वो फिर रात में किसी और लड़की के साथ इंटीमेट हो गया। माइकल उसे कॉल करने की कोशिश करती है पर उसका कॉल नहीं उठाता। सुबह वो उसे मिलने के लिए आए तो जुलियन के साथ किसी और लड़की को नोटिस करती है। इस बात पर वो गुस्सा हो गई, कहती है, तुम ऐसा कर कैसे सकते हो। जुलियन ने कहा कि तुम भी तुम्हारे हस्बैंड के साथ हो, अगर हम इसी टाइप की रिलेशनशिप में तो मैं भी किसी के साथ भी हो सकता हूँ। माइकल ने कहा कि हमारे हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ भी हो फिर भी ट्रांसपेरेंसी है। जुलियन उसे अपने रूम का पासवर्ड भी नहीं देता। जुलियन और भी ज्यादा गुस्सा हो गया और माइकल को बहुत बुरी बुरी चीजें कहता है। माइकल उसे स्लैप कर देती है। जुलियन ने भी गुस्से में उसे स्लैप किया तो डायरेक्टली नीचे गिर गई, उसे जरा चोट आ गई थी। माइकल डिस्टर्ब होकर एक पेन लेकर खुद को हर्ट कर देती है।
उसे जूलियन हॉस्पिटल में लेकर गया। जब सारी सिचुएशन के बारे में माइकल के हस्बैंड को पता चला तो जूलियन को धमकी देता है कि फिर से कभी भी उसके पास मत आना। थोड़े दिनों बाद जूलियन माइकल के घर पर आया। उसके हस्बैंड से कहता है, लास्ट टाइम मैं उसे मिलना चाहता हूँ। हस्बैंड ने उसे मिलने के लिए अलाउ कर दिया। जूलियन ने माइकल को अपने सेफ का पासवर्ड दे दिया। एक लेटर वो माइकल को देकर गया था जिसमें लिखा था, तुम एक ही पर्सन हो जिसके पास ये कॉम्बिनेशन है। मैंने लाइफ में सही गलत जो भी किया है, ये सारा कलेक्शन तुम्हें यहाँ मिल जाएगा। अब जैसा माइकल ने उसे कहा था कि जिन चीजों से तुम डरते हो इन्हें तुम्हें फेस करना चाहिए, तो यही करने के लिए अपनी मदर के पास पहुंचा। उसे कहता है कि जब मैं छोटा था तब तुमने सुसाइड करने का क्यों ट्राई किया था। गैस लीक में उसकी मदर मरने वाली थी पर जूलियन ने अपनी मदर को बचा लिया था। सब लोगों को उन्होंने कहा कि सिर्फ एक एक्सीडेंट था, पर जूलियन की मदर सुसाइड करने वाली थी। मदर एक सिंगल पेरेंट थी तो इस वजह से उसे बहुत प्रेशर आता था। उसने जो भी किया था इस वजह से अपने आप को बहुत ही बुरा मानती है, एक दूसरे को माफ कर बहुत रोते हैं। इनकी रिलेशनशिप फिर से बहुत स्ट्रांग हो गई थी। जूलियन हमसे कहता है, हमेशा मैं लाइफ में चीजों से भागता आ रहा हूँ, जो मुझे करना चाहिए मैंने कभी भी नहीं किया। उसे हमेशा से इंटरेस्ट सिर्फ फोटोग्राफी में था। वो सिर्फ पैसों के लिए अपना जॉब कर रहा था पर अब उसने सब कुछ छोड़ दिया है। पैसे उसके पास बहुत थे तो अपने पैशन को फॉलो करता है, जो चीज सही है यही चीज वो अब करने वाला है। माइकल के उसके लाइफ में आने के बाद वो बर्बाद भी हुआ उसे उबर भी गया, उसे जीने की सही राह दिखाकर जाती है। इसी के साथ मूवी एंड होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ये बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहते हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाने मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।